बात करिए दीपक से और राजेश भैया से, आपको बताएंगे। राजेश भैया, राजेश भैया आपके हो गए कौन सा, ये है आपका प्रत्येक न्यूज। अच्छा, अभी वहीं से आ रही हूँ। आपको कुछ कहना है तो इसमें से मैं कहिए। सबसे पहला तो ये गाड़ी का पास इसलिए बनेगा कि गरीब लोग जो भूखे मर रहे उसका जाके वीडियो क्यों नहीं शूट कर। नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, हेलमेट वही देखने के लिए गई थी। बनाइए वीडियो आप। हाँ, मैं वही देखने के लिए गई थी। हर लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा, इसको लगाइए वीडियो जितना लगाना है। हेलमेट भी नहीं लगाएंगे आप? हाँ, नहीं लगाऊंगी मैं। अच्छा, नहीं लगा, कानून का पालन नहीं करें। मर रहा, आपको लोग, आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है? क्यों हेलमेट का चिंता नहीं? हेलमेट का चिंता हो रहा है, लेकिन ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। मैं तो हर पिछले साल रूल तोड़ के करेंगी आप कुछ भी? नो नो नो, पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना, और इस साल भी बांटूंगी। क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है और नीतीश कुमार को नहीं आता, मुझे तो आता है। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 5 रुपए जरूर खिलाऊंगी। अभी जाके देखिए रिक्शा वाला कैसे मर रहा है भूखे। आपको इसके लिए किसी ने रोका है खाना तो खिलाने के लिए? आप मेरी वीडियो बना रहे, जाके नीतीश कुमार का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए उसका, मोदी का भी निकाल लीजिए वीडियो, समझ गए? अच्छा, लाज कर दीजिए उनका। सोचते हैं एक बार की लड़की होकर के निकल के जाकर के उस लोगों को खिलाने जाती हो, ये तो बहुत शर्म की बात है नीतीश कुमार के ऊपर। हाँ, वो शर्म की बात है, लेकिन आप अच्छा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले सर उसने पूछा भी नहीं कि कितने लोग भूखे मरेंगे, पूछा उसने, लॉकडाउन लगा दिया। साला गरीब आदमी मरे मरे, रोज रिक्शा चालक, रोज फसल खाने पकाने वाला, वो आदमी की क्या हालत होगी बताइए मुझे। जो आदमी रोज खाता है, रोज पीता है और रोज रिक्शा चला करके वही खाना खाता है, उसका क्या होगा? अभी पूछा नहीं, बस वीडियो शूट करने चले आए। शूट करना नीतीश कुमार के गेट पर जाके शूट करिए ना, नीतीश कुमार का फ्रंट पेपर पर छाप दीजिए। मुझे आप पूछना चाहते हैं ना, पूछिए मेरे से। हाँ, सवाल पूछिए। सवाल ये कि आपने हेलमेट नहीं लगाया? नहीं, हेलमेट छोड़ को लात मारिए। क्यों? क्योंकि हेलमेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी कोरोना को लेकर केस लॉकडाउन किया गया है। कभी पूछा आपने कि अगर कोरोना में आदमी मर जाता है तो हेलमेट का ओझ हिलेगा? आगे बोलिए, पूछना चाहते हैं। पोल खोलूं? किसकी पोल खोलूं? अभी मैं खोल दूं पोल आपको? हॉस्पिटल में क्या होता है, आदमी खांसी होकर के जाता है लेकिन उसको बोल देता है कि कोरोना हो गया है। रीजन कि उसी का हॉस्पिटल, उसी का साला रिपोर्ट, उसी का बनाने वाला रिपोर्ट, सारा कुछ उसी का, टोटल चीज उसी का। क्यों पूछा? आप पूछिए ना मुझे सवाल। कोरोना किसको नहीं है आज के डेट में? मैम, आप लॉकडाउन को नहीं मान रही हैं? मैं मान रही हूँ। क्यों नहीं मान रही मुझे ये बताओ। क्यों नहीं मान रही? क्यों नहीं मान रही बताओ। अभी निकली हैं? हाँ, कोई स्पेशल रीजन के कारण आप निकली? हाँ, क्या रीजन? एक बात बताओ, पूछूं मैं सवाल? मेरी अभी टिकट है, मुझे जाना है गांव। लग गया लॉकडाउन, कमा नहीं सकती, खा नहीं सकती, मैं चली गांव। आओ, इसको क्या है? ये मेरी टिकट है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा। ये मेरी टिकट है और मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा जंक्शन जाने के लिए। सर आप बताइए मैं कैसे जाऊं? इसको लेके जाऊं कहां? लगाऊंगी 1.5 लाख की गाड़ी? चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कहां लगाऊं? उसके चलते 3 घंटे से फिर रही थी मार्केट में, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए। कोई गाड़ी निकालने को घर से तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले डंडा देते हैं। अरे डंडा उसको दो ना जो गुनाह करता है। जो अगर जो आदमी अपने काम के सिलसिले में अगर जा रहा है उसको सवारी को छोड़ने के लिए, ये कौन सा गुनाह है मुझे बताइए? बताइए, ये रहा लेटर, पढ़ो तारीख, आज की तारीख है ये। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के पढ़िए मैम, डिस्टेंस बना के बैठिए। सर आज की तारीख है, मेरी ट्रेन है, अब मैं 11 बजे इसी रास्ते से गुजरूंगी। और बताइए क्या ये सही रहेगा मेरी गाड़ी को ले जाना? 1.5 लाख की गाड़ी, कुछ हो गया तो? 3 घंटे से फिर रही हो पटना में, कोई गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं मेरे साथ। मेरी फॉर्च्यूनर लगी है घर पे, वो निकल नहीं सकती, उसमें पास नहीं है। ये सब करके रखा है मोदिया, मुझे सिखाने चले कानून, सिखाओ बैठ करके साले। काट, इतना काटना है चालान, उसके काट, मेरे काट
करके इज्जत से।